के फाइनल लिस्ट में आएंगे उनको एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। अब बीच में बीजेपी चली गई, यूपीए की सरकार, वामपंथ की उसमें एक बड़ी भूमिका थी। एनपीआर के रोक दिया गया और पूरे देश में लोगों ने आधार कार्ड बनवाएंगे, आधार नंबर जारी किया गया। वही सारे तर्क आज एनपीआर के लिए भी दिए जा रहे हैं जो सारे तर्क आधार के लिए दिए गए थे कि एक आधार नंबर जारी होगा, करप्शन नहीं होगा, बेनिफिट जो है डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पहुंचाया जाएगा, जो घुसपैठिए हैं उनकी पहचान की जा सकेगी, किसी के बदले कोई और जो है सरकारी लाभ नहीं ले पाएगा क्योंकि आंख का रेटिना रहेगा सरकार के पास। ये सारे तर्क दिए गए थे, आज भी वही तर्क दिए जा रहे हैं कि घुसपैठियों की पहचान होगी, घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, तो इस देश के जो नौजवान हैं जब घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे तो उनको रोजगार दिया जाएगा। वही तर्क है जो नोटबंदी के वक्त दिया गया था कि नोटबंदी हो जाएगी, सारा काला धन जमा हो जाएगा, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंच जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। आतंकवाद का तो ऐसा कमर टूट गया है कि पुलिस ऑफिसर से आतंकवादियों को लिफ्ट लेना पड़ रहा है। देखे होंगे आप, एक पुलिस ऑफिसर ही आतंकवादियों को दिल्ली लेकर के आ रहा था। पुलवामा में भी आतंकवाद की कमर टूट गई थी। ये टूटी हुई कमर से हमारे देश के 70 जवानों को शहीद करती है। इस पर सोचिए, अभी फिर वही तर्क दिया जा रहा है। तो पूरा मामला घूम कैसे गया, बवाल कैसे हो गया है? युद्ध तो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुई थी, सिपाही विद्रोह हुआ था जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। वो युद्ध सिपाही के बैरकों से शुरू हुआ था और आज के जो ये अंग्रेज हैं इनके खिलाफ युद्ध यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों से शुरू हुआ है। लेकिन इस लड़ाई में जैसे बंग भंग आंदोलन ने एक बड़ा मोड़ दिया था, उसी तरीके से एनआरसी का मंसूबा जो है अमित शाह का, मुंगेरी लाल के सपने, उसको चकनाचूर करने का, या यूं कह लीजिए कि चूहे को चूहेदानी में फंसाने का काम बंगाल ने किया है। ये फंस गए। जब इनको लगा कि 19 लाख में से 15 लाख लोग गैर मुस्लिम हैं, ऐसी होगा लोग होंगे, थोड़ा सा भी जिसको इतिहास का जानकारी होगा कि बांग्लादेश का जो मुक्ति था पे लोग भारत आए थे, उससे पहले 19 भारत का विभाजन हुआ तो मुसलमान आए नहीं थे, गैर मुसलमान भारत आए थे। जब दंगे होने शुरू हो गए और दंगे भयानक रूप से देश के दो इलाकों में भड़काए गए, एक हमारा जो पश्चिमी इलाका है पंजाब का और एक जो हमारा पूर्वी इलाका है बंगाल का, भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। और याद कीजिए कि खाली आना पड़ा था तब जाकर के इस इलाके में दंगा शांत हुआ था। और जब वो यहां से लौट करके गए तो उनको पंजाब पहुंचना था, दिल्ली की हालत इतनी खराब थी कि उनको दिल्ली में ही रुकना पड़ा और अंततः गोडसे के हाथों गांधी को अपनी जान बचानी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी इस देश को बचाने के लिए। यह इतिहास है इस देश का। उसी घाव को यह कुरेदना चाहते हैं। कहते हैं ना कि जहां आपका जख्म हो, कोई अगर आपको परेशान करना चाहता है तो बार बार वो वहीं पे तीर चलाएगा। इनको मालूम है कि पार्टीशन का दर्द इतना बड़ा है इस देश में, शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उस दर्द को नहीं भुला पाएगी। इसीलिए जब भी पावर में आते हैं, जब भी सत्ता में आते हैं, हमारे उस घाव को वे खुरेदने का काम करते हैं। यह जो तर्क दिया जा रहा है कि नहीं भाई, हम तो जो हिंदू
सिख बौद्ध क्रिश्चियन ऐसा ही बोलता है ना मोटा भाई, हिंदू सिख ऐसा ही बोलता है ना, ऐसा लगता है पहाड़ा पर रहा हो, एक दो तीन। ये महज शब्द हैं, ये महज शब्द हैं। हम इंसान हैं, हम नंबर हैं। क्या आप हमको नंबर से ज्यादा कुछ नहीं समझते हैं? हम इंसान हैं। जब आप हमारे जख्म को कुरेदते हैं तो आपको बोल क्या रहे हैं? हमको फिर से इस देश के इतिहास के किस करना चाहते हैं पूछिए। बिहार के लोगों के साथ बलात्कार हुए, पूछिए कि अपना गांव छोड़ करके, चाहे 1947 में लोग भारत आए हों या फिर 90 में कश्मीर के पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा हो। घर छोड़ना बड़ा दर्दनाक होता है, हर कोई अपने बचपन को लेकर के नॉस्टैल्जिक होता है। और क्या मिला? रिफ्यूजी की तरह आए, रहने के लिए जगह नहीं। और जो यहां से छोड़ करके भी गए उनको भी क्या मिल गया? आज भी क्या बोलते हैं पाकिस्तान में उनको? मुजाहिद। क्या बोलते हैं? मुहाजिर बोलते हैं, मुहाजिर बोलते हैं आज भी। मिला क्या? इतना बड़ा दर्द है जिसको ये कुरेद रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ना जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं, हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं, हम किसी की नागरिकता लेना नहीं चाहते हैं। झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर आप नागरिकता देना चाहते तो 2003 का जो नागरिकता संशोधन कानून है उसी में यह बात लिख दी गई होती। असल मामला क्या है? मामला यह है कि 19 लाख में से 15 लाख जो गैर मुसलमान आए हैं, आगे बंगाल का चुनाव है, वो जो है ना आपका दिलीप घोष, उसको मुख्यमंत्री बनने का मन है, इसीलिए गाय के दूध में वो सोना निकाल रहा है। तो इनको लगा कि मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं बंगाल में अगर बंगाल को हिंदू मुसलमान कर दिया जाए तो? ये हिंदू मुसलमान करने के लिए सब काम कर रहे हैं यहां पे, हर मौके पे। आप देखिए भाई, मुझे मैं तो कई बार सोचता हूं, काली है कलकत्ता की, ये हम लोग मतलब ऐसे ही खेलते धूपते गाते थे, दुनिया का सबसे बंगाल में हम देखे कि रामनाम से ये कैसे किया गया, इसके पीछे साजिश क्या है? धरती है जहां रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुए, टैगोर कहते हैं सब आओ, हिंदू आओ, मुसलमान आओ, सिख आओ, ईसाई आओ, यूरोपीय आओ, पारसी आओ, सब आओ, सब मिल करके भारत को बनाओ। एक बांग्ला में उनकी बड़ी मशहूर कविता है। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ बंगाल में? कैसे जो है बंगाल एक ऐसा समाज है जहां महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है, तो राम जी बिना सीता जी के कैसे बोले जा रहे हैं? सीता राम होगा, राम जानकी होगा, अकेले राम जी क्यों बोले जा रहे हैं? तब पता चला कि अच्छा, हिंदू मुसलमान करने की तैयारी हो रही है इस राज्य में, और उस हिंदू मुसलमान को करने में एनआरसी बहुत बड़ा इनको मदद करने वाला था। खेला उल्टा पड़ गया, चोबा जाली में गया आटा खाने के लिए, चूहेदानी में फंस गया। जब इस सीए पास किया गया तो असम में इसका विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि असम का मांग बंगाल के मांग से ठीक अपोजिट है। वो तो कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं रहने देंगे, ये कह रहे हैं ना असम के लोग। वो ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को भगाओ, वो तो कह ही रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बंगालियों को भी भगाओ, उनका पूरा आंदोलन ही इसी सवाल पे है। तो इनको देश का ना इतिहास पता है ना भूगोल पता है। देश का अगर इतिहास भूगोल पता होता तो ये उस आग में हाथ डालने की कोशिश नहीं करते, जो आग यदि भड़केगी, नफरत की आग यदि भड़काई जाएगी, तो हर किसी का मकान उसके जद में आ सकता है। आप देख लीजिए कि CAA ये इसलिए लेकर के आए हैं ताकि हिंदुओं को कंफ्यूज किया जा सके कि भाई तुम चिंता मत करो,
एनआरसी जब होगा ना तो तुम सीए के तहत आ जाना, तुमको नागरिकता दे देंगे। लेकिन एक बात वो नहीं बोलता है जो बात हम आपको बताते हैं कि सीएए के तहत अगर हिंदू सिख बौद्ध वो नागरिकता लेंगे तो पहले ये मानेंगे ना कि हम शरणार्थी हैं। और शरणार्थी होने का मतलब क्या होता है कि आप नागरिक नहीं हैं। और जब आप नागरिक नहीं हैं तो सबसे पहले आपको अपना फंडामेंटल राइट छोड़ना पड़ेगा, अपना वोटिंग राइट आपको छोड़ना पड़ेगा। रहे हैं, मान लीजिए कि आपके पुरखों का घर है, उस घर का आपको कागज दिखाना पड़ेगा, नहीं तो पूछेगा ना कि आप अगर 47 के बाद आए हैं तो ये जमीन जो है जिस पे आप आपका घर बना हुआ है इस पर कब्जा आपका 1936 से कैसे है। मालगुजारी भरते थे ना अंग्रेजों को, जो मालगुजारी की रसीद होती है उसी रसीद के आधार पे ना आपका जमीन पे मालिकाना हक होता है। तो महज मानवीय गलती के चलते, कागज की छोटी मोटी गलती के चलते, गलती भी कैसा, मेरा नाम कन्हैया है और मेरे सभी सर्टिफिकेट पे स्पेलिंग अलग अलग लिखा हुआ है। ये सब के साथ होता होगा, सर्टिफिकेट पे MOHD मोहम्मद लिख देगा, अरे झगड़ा होगा जल्दी जल्दी में जो है MOHD के चलते नाम की लिस्ट से, नहीं तो ऐसा कैसे कि पत्नी का नाम है, पति का नाम है, एक बेटा का नाम है, दूसरे बेटा का नाम गायब हो गया, तो एक बेटा जो है उनका है दूसरा को, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि जिस पुरस्कार मिला ऐसा कैसे हो गया। सिर्फ मुसलमान के नाम के बारे में नहीं बोल रहा, ऐसा कैसे हो गया कि जो देश की सेवा कर रहे थे पे उनके परिवार के लोगों का नाम, देश के पूर्व राष्ट्रपति के, ये हुआ है NRC में। कागज की स्थिति क्या है इस देश में, कागज की स्थिति ये है कि वोटर आईडी आप दिखाएंगे तो वोटर आईडी, कितने लोगों का वोटर आईडी पे आपका बर्थ डेट जो है वो ठीक लिखा हुआ है, कितना परसेंट लोग हैं, पहले तो ये बताइए कि आपका बर्थ डेट कितना ओरिजिनल है, टेन कितना ओरिजिनल है। जो मास्टर साहब लिख दिए स्कूल में एडमिशन कराते वक्त वही आपका बर्थ डेट हो गया। हम मार्च में पैदा हुए, यहां खड़ा होकर के बोल रहे हैं, हम मार्च में पैदा हुए और मेरा बर्थ डेट सर्टिफिकेट पे जनवरी में है। जब हैप्पी बर्थडे टू यू आना शुरू होता है फेसबुक पे तो याद आता है कि नहीं नहीं तो नकली वाला है। मेरे भाई के, छोटे भाई के सर्टिफिकेट में मेरे पिताजी का नाम JAY है और मेरे सर्टिफिकेट पे JAI है, तो बाबूजी तो एक ही है ना साहेब, अलग अलग है। कागज दिखाने में कोई समस्या है, लेकिन आप ये तो कह दीजिए कि कागज हम घर में नहीं बनाए हैं। आवासीय प्रमाण पत्र आप अपने घर में बनाते हैं, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, पासपोर्ट, अरे घर में भी लोग बनाता है, लेकिन वो तो नीरव मोदी और विजय माल्या है ना जो घर में बना के निकल लेता है। हम लोग तो दफ्तर में ही बनवाते हैं, सरकारी ऑफिस में ही बनवाते हैं। और कागज बनवाने का मामला क्या है, अगर कल हो करके किसी को कागज बनवाना हो तो रातें में पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है, ना ना हम ना जाएंगे, तुम देख लो, नहीं ना मेरा ड्यूटी है भाई, हम ड्यूटी से लौट करके कैसे जाएंगे ऑफिस में, लेट हो जाएगा, वहां लंबी लाइन रहती है। कागज बनवाना इस देश में विश्व युद्ध जीतने जैसा है। कौन कौन लोग पासपोर्ट बनवाए हैं हमको बता दीजिए तो जरा अनुभव, खुले होकर के मंच पे खड़ा होकर के बोलते हैं प्रधानमंत्री को भी और गृह मंत्री को भी कि ए गृह मंत्री साहेब आपका डिपार्टमेंट है, बिना मिठाई खाए, मिठाई खाने के नाम पर पैसा लिए किसी का पासपोर्ट क्लियर नहीं होता है, होता है जी, बोलिए, सब लोग बनवाते हैं ना पासपोर्ट,
अब तो थोड़ा आसान भी हो गया है। पहले पासपोर्ट बन जाता था ना तो लोगों को लगता था कि न्यूयॉर्क हो आए हैं, कलेजा में पासपोर्ट सटा के लगता था कि न्यूयॉर्क घूम के आ गए हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनवाना ही अपने आप में एक बड़ा काम था। यह है डॉक्यूमेंट की स्थिति, और एक कागज के आधार पे आप लोगों से उनकी नागरिकता छीन लेंगे। कागज हम दिखाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं अपनी डिग्री, सरकार बताए कि हमको नौकरी कब देने के लिए तैयार है। नौकरी देने के लिए आप कागज देखने के लिए नहीं तैयार हैं कि इस देश में एक साल में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं, पॉलिटेक्निक वाला को हम गिन भी नहीं रहे और ITI को तो छोड़ ही दीजिए। 5 लाख बीटेक इंजीनियर होता है, नौकरी कितनी होती है 1.5 लाख, उसमें से भी अभी अखबार में खबर आई है कि 16 लाख जॉब कम हो गए हैं भारत में। एक तो हम पायदान पे से ऐसे फिसल रहे हैं जैसे बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं, अभी डेमोक्रेसी के पायदान में भी 10 पायदान नीचे ससल पिछल गए हैं। तो आपके पास नौकरी देने के लिए नहीं है, आपके पास इसका जवाब नहीं है कि किसान एक तरफ आत्महत्या कर रहा है और दूसरी तरफ जो हम लोग हैं वो 200 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं। तो भाई ऐसा होता ना कि किसान अगर 200 रुपए किलो प्याज बेच रहा है तो आत्महत्या क्यों करता, खुशी में आत्महत्या कर ले रहा है क्या, क्यों आत्महत्या करता? किसान के घर के सामने मर्सिडीज लगा होता, वो भी जो है विजय रूपानी की तरह जो है चार्टर प्लेन खरीद लेता अपने लिए, वो भी जो है अपनी पत्नी को लेकर के हेलीकॉप्टर से जो है अपना खेत देखने के लिए जाता। ऐसा कैसे हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहा है और हम लोग प्याज जो है वो 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो आप जो है इस बहस में पड़े रहिए कि मुर्गी आया कि अंडा, आपको यह समझ में ही नहीं आएगा कि NPR पहले होगा कि NRC। मुर्गी अंडे के बहस में लगे रहिए, ये भूल जाइएगा कुछ देर के लिए कि प्याज 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, ये भूल जाइएगा कि रिजर्व बैंक से सरकार ने सरकार चलाने के लिए फिर से 45,000 करोड़ लिया है रिजर्व पैसे में से। और तर्क क्या देते हैं भाजपा के समर्थक, सरकार है, सरकार का पैसा है, उसका मन है, निकाल लिया, बाप का नहीं है, सरकार देश का है और पैसा देश की जनता का है, जब मन किया तब आप निकाल नहीं लेंगे। इस देश में कोई नियम कानून है, नियम कानून को ताक पे रख करके 5 ट्रिलियन का वादा करके GDP को 5% में पहुंचा दिया। बहस क्या हो रहा है कि अच्छा बताओ CAA नागरिकता देने के लिए है कि नागरिकता लेने के लिए, यही बहस हो रहा है ना। सिंपल बात समझ लीजिए, मुख्य उद्देश्य इस देश में नागरिकता कानून जो लाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हिंदुओं को यह बताया जा सके कि आप चिंता मत कीजिए, मियां जी को जो है ठीक करने के लिए लाया गया है, यह भ्रम लोगों में फैलाया जा सके। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि सिर्फ NRC आसाम में हुआ है तो 1600 करोड़ पूरे 60,000, और जो नाम बाहर हुआ है उसमें मुसलमान से ज्यादा बाहर हुआ है। और किस आधार पे बाहर हुआ है तो डॉक्यूमेंट गलती के आधार पे लोगों का नाम बाहर। हम ये नहीं कहते हैं कि घुसपैठ की समस्या होती है, लेकिन घुसपैठ की समस्या बिहार में होती है। बिहार कोई नहीं आएगा काम करने के लिए, क्योंकि बिहार के लोग पूरे देश में जाकर के काम करते हैं। सिंपल इस बात को समझ लीजिए कि जिसकी इकोनॉमी बूम करेगी लोग वहां काम करने के लिए आएंगे, जाएंगे अरब की नौकरी करने के लिए, बेचने के लिए। वो तेल बेच रहा है, उसके पास तेल का कुआं है, वो आपके जो है धर्मतल्ला बस स्टैंड पे जो है नारंगी का जूस नहीं बेचने के लिए आएगा। ये समझने की बात है, ये समझने की बात है कि बिहार के मजदूर जाते हैं पंजाब में धान काटने के लिए, पंजाब के लोग नहीं आते हैं बिहार में गेहूं काटने के लिए। यह रियलिटी है, देश की इकोनॉमी जब नीचे जाएगी तो लोग यहां नहीं आएगा, उल्टा देश छोड़ करके भागेगा। लोग भाग रहा है, आप देखिए ना, जितना हमारे देश का नेता है उसका बाल बच्चा देश में रहता है, कहां रहता है, कनाडा में है। अक्षय कुमार कहां का नागरिक है, कनाडा का।
हैं, भारत में रह करके हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों को मूर्ख समझता है और हम लोग इसमें पड़े हुए हैं। दिक्कत यह है, समझते को तोड़ा, इंद्रजीत गुप्ता जी को हम लोग याद कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टी में, और ये बात हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जब बेगूसराय गए थे तो उन्होंने कहा, समस्या ये है कि पार्टी में एक स्टेग्नेशन आ गया है। क्या है? तो एक खास उम्र के लोग आपको दिखाई देंगे और नहीं, इसको अगर हम तोड़ना चाहते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज के आंदोलन की प्रशंसा में अपनी व्यवहार में ले आए और आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि बंगाल एक लड़की ने, उसको बंगाल का चेहरा बनाइए, उसको आगे खींचिए। जैसे यूनिवर्सिटी लड़ रही है उसी तरीके से यह लड़ाई फैक्ट्रियों में भी हो, तब जाकर के जीत सकते हैं, तब जाकर के हम अपने संविधान को बचा सकते हैं। और संविधान को बचाने की लड़ाई इसलिए जरूरी है कि हमको ये दिए हैं, ये वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा व्यवहार अंग्रेज हमारे साथ करते थे। ये अंग्रेज की तरह सीधे गोली नहीं चलाते हैं। अगर ऐसा होता तो जैसे हम लोग यहां मीटिंग कर रहे हैं तो जालियांवाला बाग की तरह जो है जनरल डायर आता, अमित शाह का कोई ऑफिसर आता और गोली चलाना शुरू कर देता। दौर बदल गया है, आपके हाथ में मोबाइल है, गोली मारने के लिए आएगा तो आप वीडियो बना लीजिएगा, वीडियो लेकर के फटाफट जो है आप सेंड कर दीजिएगा, फेसबुक पे अपलोड कर दीजिएगा। तो सरकार जो है दुनिया के सामने ये कैसे दिखा पाएगी कि नहीं नहीं भाई, हम तो लोकतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 303 सीट लेकर के बहुमत की सरकार चला रहे हैं, तो मुंह काला हो जाएगा ना, कालिख पोती जाएगी ना। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने बुलेट की जगह लोगों को बुली करना शुरू किया है। और बुली कैसे करते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, जिसको मन करे उसको मुंह उठा करके एंटी नेशनल बोल दो। जो अमर्त्य सेन इस देश को गौरवान्वित होने का मौका दिए, नोबेल दिलवाए, उनको ये लोग एंटी नेशनल बोलते हैं। ये लोग एंटी नेशनल बोलते हैं। एक से एक जो फिल्मी हस्तियां जिन्होंने बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, जिन्होंने भारत के समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, उसको ये लोग एंटी नेशनल बोलते हैं। ये लोग आजकल सिर्फ सड़कों पे लिंचिंग नहीं करते हैं, डिजिटल लिंचिंग करते हैं, ऑनलाइन लिंचिंग करते हैं, रेप थ्रेट्स देते हैं, गालियां देते हैं, बुली करते हैं। और बुली सिर्फ आपके फेसबुक वॉल पे आकर के नहीं करते हैं, आपके ऑफिस में आपको बुली करेंगे, बस में आपको बुली करेंगे, ट्रेन में आपको बुली करेंगे, स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको बुली करेंगे, जो फैमिली ग्रुप है उसमें बुली करेंगे, अगर आप विदेश में रहते हैं तो वहां जो भारतीयों का एसोसिएशन है उसमें आपको बुली करेंगे। ये एक नया पैटर्न है। तो मैं आप लोगों को बस एक बात याद दिला करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। आज सुभाष चंद्र बोस को आप लोग याद कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जो फौज बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज का एक मशहूर नारा है जय हिंद, जिसकी चर्चा सलीम साहब कर रहे थे। एक किताब लिखी गई है, द लीजेंड ऑफ हैदराबाद एंड एनेक्डोट्स। उस किताब में एक इंजीनियर की चर्चा है जिसका नाम है जैन उल आबदीन। वो उस वक्त जर्मनी में इंजीनियर थे और सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल सेक्रेटरी थे और इंटरप्रेटर भी इनके। सुभाष चंद्र बोस को कहा गया, सुभाष चंद्र बोस ने उनको कहा कि एक नारा बनाओ, तो जैन उल आबदीन ने यह नारा कॉइन किया था जय हिंद का। आप मुझे बताइए, आज आप सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं
आज अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो क्या जैनुल आबदीन के साथ खड़ा होकर के एनपीआर एनआरसी और सीए का विरोध करते कि नहीं करते? क्या अपने दोस्त अपने साथी जैनुल आबदीन के इस डर के माहौल में उनका हाथ पकड़ करके उनके कंधे पे हाथ रख करके उनके साथ खड़ा होते कि नहीं होते? याद रखिएगा, सच के साथ खड़ा होना मुश्किल होता है। सच बोलने पे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन सच बोलने का खतरा तो उठाना पड़ता है। कॉपरनिकस ने वो खतरा उठाया था और कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है। सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है। सच बोलना पड़ता है। हो सकता है कि आप उस वक्त संख्या में कम हो, लेकिन आने वाला समाज, आने वाला इतिहास आपको ही सही मानेगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये कानून देश विरोधी है, संविधान विरोधी है। इस कानून के खिलाफ हमको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और रही बात मोदी की पर्सनैलिटी का, एक जो है हमारे पत्रकार मित्र आकर के हमसे पूछे, बोले कि मोदी जी से तुमको क्या दिक्कत है? बोले हमको कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी से क्या दिक्कत रहेगा? बोला नहीं, तुम हमेशा मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे। हम बोले नहीं, हम संविधान के पक्ष में बोलते हैं, कभी कभी मोदी जी संविधान के खिलाफ चले जाते हैं। तो बोला मोदी जी कैसे संविधान के खिलाफ हैं, वो तो गैस चूल्हा बांट रहे हैं। हम बोले ठीक है, गैस चूल्हा बांट रहे हैं, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन देश के लोगों का पैसा अपने दोस्तों के सामने भी लुटा रहे हैं। और दिक्कत यह है कि वो ये काम इतना बेहतरीन तरीके से करते हैं कि लोग उसको सवाल नहीं बना पाते हैं। तो बोला तुमको मोदी जी मिलेंगे तो क्या पूछोगे? हम बोले बस एक ही बात पूछेंगे, मोदी जी ये बताइए आप इतना अच्छा अभिनय करना सीखे किससे? आप झूठ भी ऐसे बोलते हैं जैसा सच लगता है, कैसे बोलते हैं? हमने कहा कि तुम अगर दिल दे दिए हो मोदी जी को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप किसी को अपना दिल दे देते हैं ना, तो उसको कोई कुछ कहता है तो बुरा लगता है। नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड को कोई कुछ कह देगा तो बुरा नहीं लगेगा, आपके बॉयफ्रेंड को कोई कुछ कह देगा तो बुरा नहीं लगेगा, आपके माँ बाप को कोई कह देगा तो बुरा नहीं लगेगा। मोदी जी तुम्हारा दिल दिमाग हमारे पास नहीं है। बात सोचिए, बताओ देश में जो आज हो रहा है ये कैसे सही है? चल किस आधार पर रहा है? देश संविधान के आधार पर चल रहा है ना, संविधान के अनुसार ही देश में संसदीय लोकतंत्र है ना, और उसी लोकतंत्र की ताकत है ना। मैं इस बात में नहीं जा रहा हूं कि मोदी जी चाय बेचे थे कि नहीं बेचे थे, मैं उनसे उनका डिग्री भी नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन यह मुझे समझा दो कि अगर देश में लोकतंत्र नहीं होता तो क्या चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन पाता? तो जिस सीढ़ी पर चढ़ करके आए हैं उसी सीढ़ी को तोड़ रहे हैं, ये तो कालिदास वाली बात हो गई ना, कि जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए जो हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल है वो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए हम थोड़ा रसिया और चाइना और नॉर्थ कोरिया ये सब चक्कर हम नहीं लगाते हैं, हम भारत में ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भारत में बहुत कुछ है, भारत में बहुत कुछ है। भारत में कबीर हैं, नानक हैं, भारत में चारबाग की परंपरा है, भारत में भारत की समस्याओं से जूझने के लिए पर्याप्त फिलॉसफी और थॉट्स मौजूद हैं। किसी चीज को काटना हो, कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो लोगों को लगा कि अच्छा हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं, तो तुरंत एक चीज और बोल दिए, कंकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। कबीर भी इसी देश में है, नानक भी इसी देश में है, और वो जो आपके यहाँ बंगाल में बाउल गाने की परंपरा है, उस परंपरा में जो वो एक फिरंगी था, जिस फिरंगी उसके ऊपर फिल्म भी बनी है, उसको पूछा कि बताओ कृष्ण को मानते हो कि क्राइस्ट को मानते हो? तो उस फिरंगी ने क्या कहा? फिरंगी ने कहा कि कृष्ण ही क्राइस्ट। अब बताओ क्या करोगे?
ये हिंदुस्तान की परंपरा है। हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी इंसान के साथ अगर जन्म के आधार पर, पहचान के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा तो हम संविधान की कसम खाते हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको जितना भी ताकत लगाना है लगा लीजिए, बस आपको हम एक बात कह देते हैं कि यह सरकार अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानोगे ना तो हम तुमको सरकार नहीं। हम तुमको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि तुमको अगर गुलामी पसंद है, तुमको अगर चापलूसी पसंद है तो तुम गुलामी और चापलूसी करो, हम आजादी को पसंद करने वाले लोग हैं, हर मोड़ पे, हर मुकाम पे हम आजादी की आवाज को बुलंद करेंगे। हम तुमको यह बता देना चाहते हैं कि अगर तुम अंग्रेजों के रास्ते पे चलकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हो, डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे हो, अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम सुभाष चंद्र बोस बनने को तैयार हैं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद।